तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट कि फर्स्ट वी हैव डेवलप्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द होस्ट सेल. नाउ होस्ट सेल हैज टू ग्रो इन कल्चर मीडियम. अब वो होस्ट सेल को कल्चर मीडियम में ग्रो करना है. तब जब होस्ट सेल ग्रो होगा कल्चर मीडियम में, ठीक है, तो उसमें जो रिकॉम्बिनेंट जीन आपने जो डिजायर्ड जीन उसमें इंसर्ट किया था, दैट जीन विल एक्सप्रेस. तो देन व्हेन अ प्रोटीन इनकोडिंग जीन विल बी एक्सप्रेस्ड इन हेटरोलोगस होस्ट एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. आपका जो प्रोटीन जो अब एक्सप्रेस होने के बाद जो प्रोटीन वहां पर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. और इसी प्रोटीन को आपको निकालना है. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट प्रोटीन ऑफ द जीन प्रोडक्ट. तो जीन प्रोडक्ट इज द प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. So we have to extract them from the host cells. So cells having gene of interest can be grown on a small scale or large scale. अब जिसमें आपका gene of interest है, जिस cell के अंदर, जिस host cell के अंदर, उसको हम large scale में grow कर सकते हैं, small scale में भी grow कर सकते हैं. अब small scale में कहाँ grow करेंगे? Laboratory medium में. लेबोरेटरी में आप उसको कल्चर मीडियम बना करके आप उस पर ग्रो करा सकते हो. तो ऑन स्मॉल स्केल सेल्स कैन बी ग्रोन ऑन कल्चर इन लेबोरेटरी एंड देन द प्रोटीन एक्सप्रेस्ड, जो प्रोटीन एक्सप्रेस्ड होगा इज एक्सट्रैक्टेड, उसको बाहर निकाल लेते हैं, देन प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. एंड इफ यू आर ग्रोइंग इट ऑन लार्ज स्केल, तो लार्ज स्केल में सेल्स आर ग्रोन इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, है ना, इन अ विच फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम वन साइड टू मेंटेन सेल्स इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज. यहाँ पर जो सेल्स का ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियल फेज में होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लाइक दैट, इस तरह से. तो इस तरह से ग्रोथ होगा और फिर जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम अदर साइड. मतलब वन साइड से आप फ्रेश, क्योंकि आप कल्चर मीडियम हमेशा उसमें चेंज करते रहना पड़ता है, तो कल्चर मीडियम फ्रेश मीडियम आप वहां से एड करेंगे वन साइड से, और दूसरे साइड से आप जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको भी कलेक्ट करते रहेंगे. तो इस तरह से कि वो फ्रेश मीडियम में हमेशा वो सेल आपका ग्रोथ होता रहेगा और जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी उस सेल को मिलता रहेगा, सो दैट इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियल, ग्रो इन एक्सपोनेंशियल मैनर, ग्रोथ मैनर, ठीक है. तो ये जो लार्ज स्केल में ग्रो करने के लिए वी हैव अ रिएक्टर इन रिएक्टर बायो रिएक्टर्स, ठीक है. तो इन लार्ज स्केल मेथड लार्जर बायोमास इज प्रोड्यूस्ड, और लार्ज स्केल में आप ग्रो कर रहे हैं तो लार्जर बायोमास विल बी प्रोड्यूस्ड विच विल लीड टू हाई यील्ड आल्सो. अब ये बायो रिएक्टर में जब ग्रो करेंगे तो बायो रिएक्टर के बारे में थोड़ा जान लें. व्हाट इज बायो रिएक्टर? लेट अस सी. बायो रिएक्टर एक ऐसा क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है. बायोरिएक्टर इज अ क्लोज्ड वेसल्स. व्हाट इज बायोरिएक्टर? इज अ क्लोज्ड वेसल्स दैट कैरीज आउट अ बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड टू कल्चर एरोबिक सेल्स फॉर कंडक्टिंग सेलुलर और एंजाइमेटिक इमोबिलाइजेशन. और सिंपल, इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट इट इज एन अपराटस फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. किसी सेल को ग्रो कराने के लिए एक एपरेटस है ये, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. कंडीशन इज कंट्रोल्ड, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना पीएच है, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड देयर, ठीक है. पीएच, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर लेवल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेवल, तो एवरीथिंग इज मेंटेन्ड. सो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ईस्ट बैक्टीरिया और एनिमल सेल्स they are grown in a culture medium. It is an apparatus, closed apparatus. ठीक है, बायोरिएक्टर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ये थोड़ा सा हाई डेफिनेशन है, बट दिस इज सिंपल डेफिनेशन. इट इज एन एपरेटस फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. अब क्या है, वाई इज इट यूज? इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज. जो आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन से, ये दर ऑल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन विच यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से जो आपको मिल रहा है ये. तो ये जो मिल रहा है, वैक्सीन मिल रहा है, एंटीबॉडीज मिल रहा है, फार्मास्यूटिकल कुछ जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो दो प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है.
and also used to convert raw material. And bioreactors are also used to convert raw materials into useful byproducts. और कुछ रॉ मटेरियल्स को भी यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, सच एज बायो कन्वर्शन ऑफ कॉर्न इनटू इथेनॉल. कॉर्न से इथेनॉल बनाने में भी बायो रिएक्टर का यूज होता है. ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायो रिएक्टर, यूज ऑफ बायो रिएक्टर्स एंड व्हाट इज बायो रिएक्टर, हियर वी डिस्कस. नाउ यू विल डिस्कस नेक्स्ट कि बायो रिएक्टर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. तो अब बायो रिएक्टर हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. क्या क्या होगा आप देख सकते हैं, एक एजिटेटर सिस्टम होगा. एजिटेटर मतलब कि एक ऐसा उसमें स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जो घुमाने से सेंट्रीफ्यूगेशन करने में हेल्प करता है, सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट. फर्स्ट यू विल ग्रो इट एंड आफ्टर ग्रो करने के बाद उससे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है ना. तो प्रोटीन को जैसे एक ऐसा होगा और बहुत सारा स्पाइक्स निकला रहेगा इसका. ठीक है, तो दिस इज एजिटेटर सिस्टम. जब इसको घुमाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन पर्पस के लिए इट इज यूज्ड. तो क्या होगा कि आपके सेल वॉल डैमेज हो जाएंगे और उससे जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा. सो इट इज यूज्ड टू प्रोडक्ट टू एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट. एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, व्हाई इज इट नीडेड, कैन यू टेल मी व्हाई इज इट नीडेड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम. So for their growth it is needed, oxygen is needed. And foam control method, जब centrifugation आप करेंगे तो foam will be created. So there should be foam control system should also be there. Temperature control system, अभी बताया था under controlled system आप grow कराते हैं organisms को वहां पर host cell को, तो temperature control करने के लिए भी control system होना चाहिए. pH control system होना चाहिए उसमें. आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन में क्या क्या कंट्रोल्ड होना चाहिए, क्या क्या ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है. टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन करना है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पीएच मेंटेन करना है. ठीक है, और आप जो प्रोडक्ट है उसको विड्रॉ करने के लिए भी कुछ पोर्ट, सैम्पलिंग पोर्ट होना चाहिए टू विड्रॉ कल्चर्स पीरियोडिकली. जब भी आपको उस कल्चर्स को बाहर निकालना हो तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए. एजिटेटर सिस्टम है टू क्रिएट सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, है ना, फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन एजिटेटर सिस्टम इज रिक्वायर्ड स्टायरिंग पर्पस के लिए. तो स्टायरिंग पर्पस के लिए एजिटेटर है, तो एजिटेटर जब है तो वो स्टायर करेगा उस मिक्सचर को, उस कल्चर मीडियम को. तो स्टायर करने के लिए एजिटेटर सिस्टम यूज किया गया है. तो ये जो बायो रिएक्टर जो जिसमें एजिटेटर सिस्टम है उसको कहते हैं स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर. तो दिस स्टायरर मिक्स द कंटेंट, और वो क्या कंटेंट को मिक्स करेगा एंड मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल थ्रू आउट द बायोरिएक्टर. पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है स्टायरर और एजिटेटर सिस्टम जो है एजिटेटर. ठीक है, और एक और भी रिएक्टर आप पढ़ेंगे स्पार्ज्ड, दो रिएक्टर हम पढ़ रहे हैं, देख लेंगे आप पहले दोनों रिएक्टर आप देख लीजिए यहाँ. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अभी ये सब कुछ देखा था, एजिटेटर सिस्टम देखा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम देखा, फॉर्म सिस्टम. अब देखिए यहाँ पर दो टाइप के रिएक्टर्स हैं, फर्स्ट टाइप ये, सेकेंड टाइप ये है. ठीक है, फर्स्ट टाइप जो है सिंपल स्टायर्ड टैंक बायो रिएक्टर. आप देख रहे होंगे ये एजिटेटर सिस्टम यहाँ बीच में. Now you can see agitator system ये जो middle में आप देख रहे हैं, agitator system में spikes निकले चारों तरफ, ये agitator system है. ठीक है, उसके बाद यहाँ एक देख रहे होंगे एक structure जो acid और base for pH control system है. यहाँ पर ये steam control system है temperature maintain करने के लिए, sterilization, steam for sterilization, मतलब कुछ बाहर की चीजें उसमें add ना हो या है ना, तो एक steam sterilization purpose के लिए use किया गया. ये मोटर है टू रोटेट द एजिटेटर सिस्टम, मोटर यहाँ लगा हुआ है. देन फोम ब्रेकर है, फोम कंट्रोलर सिस्टम आप देख सकते हैं, फोम ब्रेकर से. ठीक है, और उसके बाद एयर सप्लाई के लिए एक सिस्टम है. ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए, सब कुछ मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमम लेवल उसका मेंटेन रहे उसके लिए ये सभी डिवाइसेस और सभी चीजें उसमें पार्ट उस कंपोनेंट्स में, इसके कंपोनेंट्स में होते हैं, सो दैट एवरीथिंग शुड बी मेंटेन एट ऑप्टिमम लेवल.
ऑप्टिमम लेवल में। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम, दो तरह के बायो रिएक्टर्स हैं, सिंपल स्टायर्ड टैंक बायो रिएक्टर, और दूसरा क्या है कि आप देखोगे इसमें कि इसमें स्पाइक्स वगैरह ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो ये स्पार्ज्ड है, यहाँ स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक बायो रिएक्टर। ठीक है, थ्रू आउट विच स्टरलाइजेशन बबल्स आर स्पार्ज। यहाँ पर क्या है कि आप केवल एयर जो है, एयर का फ्लो आप इधर से भेजते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एयर का बबल जो है आप स्पार्ज्ड, इसको मतलब ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए आप हवा को उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब फैल जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। तो स्पार्ज टैंक रिएक्टर में स्टायर्ड टाइप ऑफ रिएक्टर इन विच एयर इज बबल्ड, यहाँ जो एयर बबल क्रिएट करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब एयर बबल्स क्रिएट किया हुआ है। तो एयर इज स्पार्ज मतलब स्प्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। ठीक है, इसीलिए इसको स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक रिएक्टर कहेंगे, और दिस रिएक्टर इज सिंपल स्टायर्ड टैंक बायो रिएक्टर बिकॉज ऑफ द एजिटेटर सिस्टम। ठीक है, यह एजिटेटर सिस्टम है, इसमें आप देख रहे हो वैसा एजिटेटर सिस्टम नहीं है जैसा कि यहाँ स्पाइक्स और ये फोम ब्रेकर ये सभी लगा हुआ है, वैसा नहीं है। यहाँ पर सिंपल है, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, और पूरा का पूरा एयर ही उसमें स्प्रेड किया हुआ है फॉर मेंटेनिंग ऑक्सीजन का प्रॉपर लेवल मेंटेन करने के लिए, एंड बबल्स जो है दैट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। सो दिस इज टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स, एंड बायोरिएक्टर्स आर यूज टू ग्रो, नॉट ओनली टू ग्रो, यूज टू ग्रो एंड एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर नाउ? ग्रो होस्ट सेल्स, होस्ट सेल में भी ईस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल्स। ठीक है, इट इज अ क्लोज कंट्रोल्ड सिस्टम। व्हाट इज मेंटेन, अब थोड़ा बताएंगे कि ऑप्टिमम लेवल यहाँ मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, वो ऑप्टिमम लेवल किस किस का हो सकता है, कि किस किस का होगा बताएंगे थोड़ा, क्या क्या ऑप्टिमम लेवल में। हाँ, ऑक्सीजन का एक, सेकंड यस पीएच, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स। देन टेम्परेचर, देन और न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन या न्यूट्रिएंट्स जस्ट, और बताइए फोम, है ना, फोम इज आल्सो कंट्रोल्ड फोम। So these factors are maintained at optimum level so that you can get your desired product in efficient manner, ठीक है, efficiently. Now let us, so we have seen these two types of bioreactor. Simple, first type is simple stirred tank bioreactor, and second one is sparged stirred bio tank stirred tank bioreactor. ठीक है, now come to the next part. Next part है downstream processing. Downstream processing, what do you mean by downstream processing? Simple है, अब यहाँ extraction से लेकर के एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, वहां से लेकर के मार्केट तक उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने तक का जो बीच का जो पूरा प्रोसेस है, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना। एक्सट्रैक्शन से लेकर मार्केट तक भेजने तक का जो पूरा प्रोसेस है, उसके बीच का वो पूरा प्रोसेस है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब बताइए उसके बीच में क्या क्या चीजें आप करेंगे। तो आप सोच के देखिए, जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, फर्स्ट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट, यू हैव टू सेपरेट इट, ठीक है, फ्रॉम द रिएक्टर, रिएक्टर से उसको बाहर निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाहर निकाल लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे उस प्रोडक्ट के साथ, क्या ऐसा ही मार्केट में भेज देंगे या उसके बीच में करना पड़ेगा उसको, यस उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करना पड़ेगा एकदम, जो आपका जो
100% that product should be there, nothing else should be mixed in that. So you have to purify that product. उसके बाद क्या करेंगे, उसको मान लीजिए वो प्रोडक्ट अपने अलग, उसको टेस्ट की क्वालिटी की टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी टेस्टिंग. सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे कि क्वालिटी उस प्रोडक्ट की वही है जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट से मिलना चाहिए था, जो आपने डिजायर्ड किया था, जो वॉट एवर यू हैव डिजायर्ड कि द क्वालिटी, दैट क्वालिटी शुड बी देयर. इज इट देयर और नॉट, दैट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग शुड बी डन. अब मान लीजिए कि आपकी क्वालिटी उसमें मिल गई, जो चाहते थे वो क्वालिटी उसमें मिल गई, अब उसको क्या करेंगे, उसको पैकेजिंग करेंगे. पैकेजिंग करेंगे इस तरह से, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके करेंगे, जो सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स हैं. ऐसा ना हो कि आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर दें तो वो कंटामिनेट हो जाए, ऐसा नहीं करना है. मैं सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऐड करने के बाद, ताकि उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो, ऐसे सुटेबल प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करेंगे और उसको फिर फॉर्मुलेट करेंगे उस प्रोडक्ट को. फॉर्मुलेट मतलब फॉर्मुलेशन उसका होगा उसी प्रिजर्वेटिव ऐड करने के बाद, और उसको फिर हम पैक कर देंगे. किसी मान लीजिए इंजेक्शन है तो वाइल बना दिए, ठीक है, इंजेक्शन एम्पल बना दिए, तो इस तरह से कुछ भी बना दिए, कुछ टैबलेट है या कैप्सूल है, कुछ भी, जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसको पैकेजिंग करेंगे. पैकेजिंग करके उसे लास्ट में क्या होगा ऑप्शन, उसको क्या करेंगे, पैकेज करके यू विल सप्लाई इन द मार्केट. तो देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस, ऑल द प्रोसेसेस टू व्हिच अ प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू बिफोर बीइंग मार्केटेड. जितने भी प्रोसेस है मार्केट में भेजने से पहले तक का, वो सारे प्रोसेसेस टू मार्केट में हम कब भेजेंगे, एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब पूरा फाइनल प्रोडक्ट भेजेंगे. तो मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में भेजने से पहले जितने भी प्रोसेसेस आप करते हैं, ऑल दोज प्रोसेसेस कलेक्टिवली कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इट इंक्लूड्स क्या क्या करेंगे, सबसे पहला काम है सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर. देन यू हैव टू प्यूरिफाई इट. आफ्टर प्यूरिफिकेशन यू हैव टू फॉर्मुलेट द प्रोडक्ट विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स. एंड सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स के बाद आप करेंगे क्या, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल. जैसे अभी ट्रायल चल रहा है ना वैक्सीन का, कोरोना वायरस वैक्सीन का, तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के बाद आपका जो लेबोरेटरी जो टेस्टिंग हुआ उसमें तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन अब क्लिनिकल ट्रायल करेंगे ह्यूमन पर या किसी चीज का, ठीक है, इनकेस ऑफ ड्रग्स और वैक्सीन, तो वो ट्रायल ह्यूमन पर करेंगे, देखेंगे क्या वो सच में वही रिजल्ट दे रहा है जो आपने डिजायर किया है. ठीक है, तो अगर दे रहा है तो फाइन, तो उसको मार्केट में फिर भेज देंगे. फिर लास्ट वन जो होगा सप्लाई, सॉरी नहीं, पैकेजिंग एंड सप्लाई इन द मार्केट. ठीक है, मार्केट. तो ये इतना सारे इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. अब कोई बताएंगे आप कि इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इन फार्मास्यूटिकल. देख लेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स एट देयर यूज. ह्यूमन इंसुलिन जो आप देख रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन इन द ब्रांड नेम इज ह्यूमलिन. इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज टाइप 1. तो ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया इसी मेथड से. टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, दिस इज ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और ब्लड क्लॉट आफ्टर हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए. देन डीएनएज ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज. प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन ऑफ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि आपका वुंड जल्दी हील हो, उसको स्टिमुलेट करने के लिए प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर वर डेवलप्ड. कैल्सिटोनिन ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स. रियोप्रो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स.
Hirudoin used as an anticoagulant. Interferon, very important, alpha, beta and gamma, treatment of viral infection and cancer. इसके ट्रीटमेंट के लिए इंटरफेरॉन यूज किया गया, मतलब डेवलप किया गया है. कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. एंड इंटरल्यूकिंस, इन्हांसिंग एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम. तो इसको इन्हांस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने, इंटरल्यूकिन वर डेवलप. तो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी हैव सीन नाउ the whole process of DNA recombinant DNA technology, and we have already studied all the processes. Now